अगला सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स का है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। कहा गया वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब, फिगर यहाँ पर दिया गया है, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेज बाई 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। तो देखेंगे कि अगर हमें एरिया दिया गया है, यहाँ का एरिया बताया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ का एरिया बताया गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर कहीं पर एरिया आधा हो गया है तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा, है ना। तो अगर ये मान लिया जाए कि यहाँ पर वेलोसिटी वी है तो यहाँ पर एरिया आधा है तो यहाँ पर वेलोसिटी टू वी हो जाएगा, इसका एरिया आधा है तो वेलोसिटी टू वी हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये सारे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है जोड़ करके जीरो होता है, एनर्जी कंजर्व रहता है अगर कोई नॉन विस्कस लिक्विड है तो, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। देखेंगे पहला जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ए, यहां पर प्रेशर में मान लेता हूं कि पी ए है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो मान लेता हूं क्योंकि इसका जो सेंट्रल लाइन है इसी को रेफरेंस लाइन ले लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन और यहाँ का क्रॉस सेक्शन सेम हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी जीरो और दूसरा पॉइंट जो आएगा वहाँ भी जीरो। प्रेशर एनर्जी यहाँ पर पी बी, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वेलोसिटी टू वी हो गया तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो यहाँ से पी ए माइनस पी बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखेंगे ये है 3/2 रो वी स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे तो, ठीक। अब पी ए माइनस पी बी जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है 700, 3/2 जो डेंसिटी है वाटर का वो दिया गया 1000, तो मैं डेंसिटी को यहाँ पर 1000 रख दूंगा वी स्क्वायर। तो V का वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 0.68 मीटर पर सेकेंड या 68 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं, ये वेलोसिटी आ जाएगा। अब अगर हमें फ्लो रेट निकालना है तो फ्लो रेट का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम उसका पास करेगा वहाँ से किसी क्रॉस सेक्शन से, वो फ्लो रेट होता है और वो एरिया इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक। तो जिस क्रॉस सेक्शन, अगर यहाँ पर फ्लो रेट निकालना है तो यहाँ का एरिया यहाँ की वेलोसिटी निकालेंगे, अगर यहाँ का फ्लो रेट निकालना है तो यहाँ का एरिया यहाँ का वेलोसिटी निकालेंगे। हालांकि फ्लो रेट यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर रहता है क्योंकि एरिया इनटू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। तो यहाँ का मैं एरिया ले रहा हूँ और यहाँ का वेलोसिटी हमने निकाला है वी, तो ये आ जाएगा फ्लो रेट, एरिया लिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और वेलोसिटी ये लेंगे 68 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आएगा 2720 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो देखेंगे ये जो थर्ड ऑप्शन है वो दिया गया है 2720 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये करेक्ट आंसर है इसका।